पूरे बिहार में क्राइम अन कंट्रोल है। दिन दहाड़े कहीं मेयर की हत्या, तो कहीं मुखिया की हत्या, कहीं पुलिस अफसर की हत्या, ये तो लगातार पूरे बिहार में हो गया। तो जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो जंगल राज कहते थे, तो पूरे बिहार को महाजंगल राज बना दिए हैं। दूसरों को दोष देने से पहले अपने क्रियाकलापों का जांच करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नालंदा में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता अमर आजाद जी हैं। क्या हो रहा है बिहार में? सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बात तो नालंदा नहीं, पूरे बिहार में क्राइम अन कंट्रोल है। दिन दहाड़े कहीं मेयर की हत्या, तो कहीं मुखिया की हत्या, कहीं पुलिस अफसर की हत्या, ये तो लगातार पूरे बिहार में हो गया। तो जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो जंगल राज कहते थे, तो पूरे बिहार को महाजंगल राज बना दिए हैं। दूसरों को दोष देने से पहले अपने क्रियाकलापों का जांच करना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग गए थे 1 अगस्त को नालंदा में, और वहाँ इन सारे मुद्दों को रखे, और जो जन सैलाब उमड़ा आशीर्वाद यात्रा में, तो चिराग जी ने तो कहा कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभलने वाला, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल से भी मिले हैं चिराग पासवान जी। तो नीतीश कुमार को अब समझना चाहिए कि जिद में आकर करके बिहार को बर्बाद ना करें। बिहार में तो आपने रोजगार दिया नहीं, फैक्ट्रियाँ खोली नहीं, सिर्फ हत्या, बलात्कार, मर्डर, यही सब हो रहा है बिहार में। तो नीतीश कुमार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जनता को? ऐसा आखिर हो क्यों रहा? राजगीर जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वहाँ के छबीलापुर में 5-6 लोगों की हत्या हुई है, उनके जो राजगीर हॉट कहा जाता है, वहाँ हॉट सीट है, और पूरा अपना सब कुछ वहीं पे लगाए हुए हैं नीतीश कुमार पावर, इसके बावजूद भी राजगीर में ये घटना नालंदा जिला में हो रहा है। तो नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको जवाब देना चाहिए कि बिहार में कब तक मर्डर होगा, दलितों की हत्या होगी, अति पिछड़ों की होगा, मुसलमान का होगा, स्वर्णों को, कोई ऐसा जाति नहीं बना है जिनकी हत्या नहीं हो रही है बिहार में। तो नीतीश कुमार को आप जवाब दें, और जातिगत जनगणना पर वो जो बोल रहे हैं, उस पर भी उनको स्टैंड क्लियर, वो आंदोलन करें, हम लोग RJD और लोजपा आंदोलन करेंगी जातिगत जनगणना पर, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पर, न्यायपालिका में आरक्षण की मांग पर हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय और संविधान के पक्षधर हैं। नीतीश कुमार इसके पक्षधर नहीं है। जाति जनगणना के पक्षधर नीतीश कुमार भी हैं, और समय मांग रहे हैं पीएम मोदी से, जल्दी मुलाकात भी होगी उनकी। तो मीडिया के माध्यम से सबको पीएम मोदी जी दे, उनके गठबंधन में है, बीजेपी के सहयोग से यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी मात्र उनके पास 43-41 सीट है, तो बीजेपी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको कराने का नहीं है, नीतीश कुमार कराना नहीं चाहते, ये सिर्फ प्रेशर कर रहे हैं जनता को, बिहार की जनता को बरगला रहे, जिसे बोले थे इतना 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ दिए भाई? इलेक्शन के समय बोले थे दलितों की हत्या होगी तो सबको नौकरी देंगे, कहाँ दिए? किन दलितों की नौकरी हुआ, जिनके यहाँ मेयर तक जो जनप्रतिनिधि है उनको दिन दहाड़े गोली मार के उड़ा दिया जा रहा, हम लोग को भी एक आदमी गोली मार दिया जाएगा, बताइए कैसे लोग बिहार में यहाँ से पलायन कर जाएगा? बिहार से लोग जैसे मजदूर पलायन कर रहे हैं ना, यहाँ का जनता भी अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए, तो जल्द से जल्द वो हटे, इस्तीफा दे, और उनके जगह बहुत ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की जगह पर कई ऐसे चेहरे हैं मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन अब तो वो पीएम मटेरियल हो गए हैं। सर, पीएम मटेरियल कब से हो गया? बीजेपी उनको बनने देगा पीएम मटेरियल? बीजेपी में एक से एक चेहरा है, और नरेंद्र मोदी जी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। ये सब ख्याली पुलाव पकाना जदयू का, ये बेवकूफ़ी है। पहले आप बिहार को संभालिए ना, तब ना भारत को संभालिएगा। भारत बहुत बड़ा है, बहुत राज्य का समाहित करके एक देश बनता है, इनको बिहार संभाल नहीं रहा, चले हैं देश संभालने, ये सब गलत है। वहाँ एक से एक महारथी है बीजेपी में, और भी कांग्रेस में बहुत कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बिहार इनको संभालिए, हम यही सलाह देंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे गार्जियन है, सम्मानित है, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार को गर्त में मत ले जाइए, आप बिहार को बर्बाद होने से बचाइए। बिहार के युवा आप पर बहुत गुस्सा में है, ये जान लीजिए। चलिए, अमर आज़ाद लोजपा के प्रवक्ता, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।